दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एसीटोबैटर नाम का एक वो होता है बैक्टीरिया, इसको दही जमाने में इसी का कार्य होता है। नाइट्रोजन, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो होती है वो फली, फली आपको पता होगी जो बीन्स कहलाती हैं, फली जो वही फली होती है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? उर्वरक का कार्य करता है, उसका नाम है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल होते हैं, यानी के जो नीले दिखने वाले पुष्प होते हैं वही कहलाते हैं नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन आपका है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो उटलीट फुट बीमारी जो होती है वो कवक से उत्पन्न होती है, कवक से। यहाँ का आंसर बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? निम्नलिखित में से जो पोषक है जैव सूचक है उसका नाम है लाइकेन, लाइकेन जो है वो जैव सूचक है। अब इससे नीचे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, नीचे और आते हैं लाइकेन के बाद हम लोग देखते हैं अगला, लाइकेन हो गया तो इसके बाद वनस्पति। आपको देख, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचरण यानी कि उभयचर कहते हैं? उभयचर जो कहते हैं वो कहते हैं ब्रायोफाइटा को हम लोग वनस्पति का उभयचर भी कहते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बाघ है? प्रयुक्त होने वाला जो सुपर बाघ है वो है जीवाणु विकृति। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? पान की लता में जो जड़ बनती है उसे हम लोग कहते हैं आरोही जड़, यानी कि उल्टी जड़। और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नीचे, थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है इसका रूप बदल जाता है बाद में? जो गाजर है वो वैसी की वैसी रहती है, सबको पता है, शकरकंद भी, नारियल भी। नारियल पहली बात तो आपका तना है, जो आलू है उसका एग्जैक्टली शेप बदल जाता है बिल्कुल सा। अगला है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने ही उद्दीपन ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग है वो है आपका, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तो वो भाग जो होता है वो होता है जड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? पुष्प सबको पता है पुष्प होता है यानी कि फूल, फूल जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो है रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है यानी कि पुष्प है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके करके की जाती है? प्रतिरोपण करके जो खेती की जाती है वो है प्याज की खेती। सोयाबीन वोयाबीन सब अलग तरीके से होती हैं। एक जो अगला क्वेश्चन है आपका, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका क्या होता है, गुदगुदा के गुदगुदा होता है, गुदगुदा पुष्पासन जो होता है उसको खाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका नाम है घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? अब कौन सा एक है जो वो होता है रूपांतरित, वो पत्ता है, पत्ता बदलता है अपने आकार को। इसका अगला ऑप्शन आपका 16वां क्वेश्चन है आपका, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? कुनैन कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? तो वो है आपका बी ऑप्शन यानी कि सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक जो प्रोटीन होता है आपको नहीं पता है, बच्चे को बताया जाता है क्या है वो, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, किस पादप
को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। आप शाकीय भारतीय डॉक्टर को किसे कहते हैं? उसे कहते हैं आंवला को। आंवला एक तरीके का भारतीय डॉक्टर भी है, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगला ऑप्शन आपको 19 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, इसका नाम है केसर मसाला, यानी कि सफरन स्पाइस बनाने के लिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्गीकृत, यानी कि स्ट्रिंगमा। स्ट्रिंगमा भाग जो है वो उसको उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूरण करते हैं? अब कौन सी प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि नील ग्रीन हाउस प्रभाव में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वो आती है जल से, और जो हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो भी जल से मिलती है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें। अगर आप लाइक कर देंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया है। और एक बात करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ही होगा, इसका कोई चार्ज भी आपके लिए नहीं रखा गया है। सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटे पर क्लिक ज़रूर कर दें। यदि आप घंटे पर क्लिक कर देते हैं तो उससे आपको वीडियो मेरा सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच जाएगा। उसके बाद भी आपके पास कोई भी सुझाव है, यानी कि कोई भी आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है हमारी वीडियो से या फिर आपके माइंड में, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर इस कमेंट का भी कोई चार्ज नहीं निर्धारण किया गया है। तो तब तक के लिए करते हैं नमस्कार, और मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।